हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट ट्यूटी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे लाइफ प्रोसेसेस में कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए, मतलब पॉइंट्स टू पॉन्डर। हम लोग लाइफ प्रोसेस में हमेशा बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, मगर कुछ छोटे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिन पे हम ध्यान नहीं देते। आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में। तो हम लोग ये जानते हैं कि क्लोरोफिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्लांट्स के लिए, क्योंकि वो हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। मगर उसके अलावा वो कैसे हेल्प करता है, क्या करता है एग्जैक्टली? तो क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है जो कि ब्लू और रेड कलर की जो लाइट है उसको एब्जॉर्ब करके ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से प्लांट्स आपको ग्रीन नज़र आते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि जो लाइट एब्जॉर्ब की गई वो क्या करती है, उस वो जो है आपका जो वाटर है और जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब किया गया है उसको ब्रेक करके शुगर और ऑक्सीजन रिलीज करती है। तीसरी चीज़ ये है कि जो फोटोसिंथेसिस है वो दो टाइप से होता है, एक होता है ऑक्सीजनिक, दूसरा होता है एनऑक्सीजनिक। मतलब कि जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है वो होता है इसमें इम्पॉर्टेंट। जो एनऑक्सीजनिक है वो यूजुअली बैक्टीरिया करता है, और ऐसा बैक्टीरिया जिसमें एनारोबिक कंडीशन हो, जहाँ पे एयर की एब्सेंस हो या एयर इतने अच्छे से या ऑप्टिमम अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होती। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस में। अब सब लोगों को ये मालूम है कि हमारा जो एलिमेंट्री कनाल है उसमें कई सारे ऑर्गन्स हैं, जिनमें से एक ऑर्गन है स्टमक। पर क्या आपको मालूम है कि स्टमक डाइजेशन में सबसे बड़ा रोल प्ले नहीं करता? ठीक है, स्टमक सिर्फ प्रेप करता है, थोड़ा बहुत डाइजेशन करके सिर्फ जो फूड आपने लिया है उसको तैयार करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए, और मैक्सिमम डाइजेशन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। उसके अलावा स्टमक को अपने आप को बचाना होता है उसी एसिड से जो वो रिलीज़ करता है। हम सबको मालूम है कि जो स्टमक है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, पर अपने आप को बचाने के लिए एक म्यूकस लेयर को बनाता है स्टमक के ऊपर, जिसकी वजह से स्टमक जो है अपने ही एसिड से बचा हुआ रहता है। और उसके अलावा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी खासियत ये है कि जो उसका सरफेस एरिया है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। लोग ध्यान नहीं देते इस बात पे, उसमें डाइजेशन होता है इस चीज़ पे मेन ध्यान होता है, मगर उसमें क्या प्रेजेंट होती हैं, उसमें प्रेजेंट होती हैं विलाए, जिसकी वजह से जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका एरिया बहुत ज़्यादा लार्ज होता है। उसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन सिर्फ वेस्ट को एलिमिनेट करने का फंक्शन नहीं करती, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, वो होता है रीअब्जॉर्प्शन। मतलब कि लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी ऐसी चीज़ जो कि अब्जॉर्ब होनी चाहिए थी बॉडी में, अगर वो पहुंच गई तो लार्ज इंटेस्टाइन उसको, उस न्यूट्रिएंट को या वाटर को दोबारा एब्जॉर्ब करती है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है और वो है रीअब्जॉर्प्शन। अब बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स में। अब आपको ये पता होगा कि प्लांट्स में भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और ऑक्सीजन बाहर आती है, और रेस्पिरेशन के टाइम पे ऑक्सीजन अंदर जाती है और CO2 बाहर आती है। मगर क्या आपको मालूम है कि जो प्लांट्स हैं उनमें कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं होता, बल्कि हर पार्ट अपना जो रेस्पिरेशन है या एक्सचेंज ऑफ गैसेस खुद ही करता है। मतलब कि रूट्स में अलग, स्टेम में या आपके बार्क में अलग, और आपके लीव्स में अलग। तो इस तरीके से हर पार्ट जो है अपने ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करती है। उसके अलावा रेस्पिरेशन जो है पूरे टाइम चलता है प्लांट में, मतलब कि दिन में भी और रात में भी, जबकि फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन में होता है। उसके अलावा एक पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं कॉम्पनसेशन पॉइंट, वो पॉइंट होता है जिसमें जब CO2 रिलीज होती है दैट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ CO2 जो यूटिलाइज हो रही है फोटोसिंथेसिस में। इस पॉइंट को हम बोलते हैं कॉम्पनसेशन पॉइंट। अब बात करते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस में। इसमें हमें मालूम है कि ह्यूमंस में लंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेशन के लिए, देज आर द मेन पार्ट। बट क्या आपको मालूम है कि इसमें एयर कैपेसिटी कितनी होती है? लंग में 4 to 6 लीटर कैपेसिटी होती है एयर को होल्ड करने की।
सबको मालूम है रेस्पिरेशन का एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग, जो कि इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन से रिलेटेड होता है. पर क्या आपको मालूम है कि जो बॉडी है वो इनहेल करने की उसकी मेन वजह होती है एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रादर देन द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन. मतलब ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट से ज़्यादा जो बॉडी इनहेल करती है वो किस वजह से करती है, क्योंकि आपकी बॉडी में CO2 ज़्यादा हो गया, इस वजह से इनहेल किया. और एक्सहेल की प्रॉपर्टी हम देखते हैं क्योंकि बॉडी में CO2 ज़्यादा हो जाता है और उसको बॉडी के बाहर करना होता है और ऑक्सीजन को अंदर लेना होता है. तो CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बहुत हद तक आपकी बॉडी में ब्रीदिंग के प्रोसेस को कंट्रोल करती है. अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की. हमें मालूम है कि हमारे पास हार्ट है जो कि पंप करता है ब्लड पूरी बॉडी में, जबकि ऐसा कोई भी पंप हमारे प्लांट्स में मौजूद नहीं होता. इसीलिए प्लांट का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसको हम वैस्कुलर सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि उसमें होती हैं वेसल्स. कौन सी वेसल्स? जाइलम और फ्लोएम. पर आपको मालूम है कि जो जाइलम है वो सिर्फ यूनिडायरेक्शनल होती है, जबकि फ्लोएम बाइडायरेक्शनल होती है. जाइलम सिर्फ वाटर कंडक्शन के लिए यूज़ की जाती है, जबकि फ्लोएम फूड और मिनरल्स के कंडक्शन के लिए यूज़ की जाती है. अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस में, जिसमें हमारा मेन ऑर्गन है ह्यूमन हार्ट. तो आपको मालूम है जो साउंड है जिसको हम बीटिंग ऑफ हार्ट कहते हैं वो किस वजह से है, वो होती है ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ वॉल्व की वजह से. जो हार्ट में आपके वॉल्व्स प्रेजेंट हैं वो ओपन और क्लोज होते हैं ब्लड की एंट्री और एग्जिट के लिए. वो आवाज़ होती है लब डब, जिसको हम बीटिंग ऑफ हार्ट बोलते हैं. और ब्लड पंप करने की हार्ट की कैपेसिटी आपको पता है कितनी है? 2000 गैलन एवरी डे. एक छोटा सा हार्ट जो आपके फिस्ट के साइज का है वो हार्ट एवरी डे हर दिन 2000 गैलन ब्लड पंप करता है आपकी पूरी बॉडी में. ये तो सबको मालूम है कि जो रेड ब्लड सेल है उसकी एज होती है 120 डेज. पर क्या आपको मालूम है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो रेड ब्लड सेल है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता. और क्यों नहीं होता? ताकि उसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाया जा सके. पर बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ न्यूक्लियस उसकी एज बहुत कम रह जाती है, और वो है सिर्फ 120 डेज. अब बात करते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स की. प्लांट्स में कोई भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता, तो वो अपने वेस्ट मटेरियल को कैसे अपनी बॉडी से बाहर करेंगे? तो जो प्लांट्स हैं वो यूज़ करते हैं फ्रूट्स और आपके जो डेड लीव्स होती हैं उसमें वो क्या करते हैं कि अपना वेस्ट मटेरियल डेड लीव्स में डिपॉजिट करते हैं. और जब वो लीव्स गिर जाती हैं, व्हेन दे फॉल ऑफ, देन दे इन दैट वे दे गेट रिड ऑफ देयर वेस्ट मटेरियल. उसके अलावा जो लेटेक्स और रेजिन हम लोग यूज़ करते हैं जो हमारे बहुत काम आता है, दैट इज़ नथिंग बट द वेस्ट मटीरियल दैट इज़ प्रोड्यूस बाय द प्लांट. ठीक है, तो जो लेटेक्स और रेजिन हमारे बहुत काम आता है वो एक्चुअली प्लांट का वेस्ट मटीरियल है. अब बात करते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस में. सबको मालूम है कि जो ह्यूमंस हैं उनका मेन एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन है वो है किडनी. पर आपको मालूम है कि उसके अलावा लंग्स भी आपके एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं. वो CO2 और वाटर वेपर को आपकी बॉडी से बाहर भेजती हैं. उसके अलावा स्किन भी आपके एक्सेस सॉल्ट को आपकी बॉडी से बाहर करने में हेल्प करता है. इसके अलावा इन द पीरियड ऑफ 24 आवर्स, मतलब 24 घंटे में जो ब्लड है उसको प्यूरीफाई होने के लिए हर समय वो प्यूरीफाई होता रहता है, ताकि एक्सेस वाटर और वेस्ट मटेरियल बाहर जाए. बट उसको 24 आवर्स में 300 times किडनी के थ्रू पास होना पड़ता है. मतलब किडनी 300 times ब्लड को प्रोसेस करती है. और आपको जान के हैरानी होगी कि किडनी की एफिशिएंसी कितनी ज़्यादा है. एक किडनी या पूरा जो किडनी का सिस्टम है वो 45 मिनट्स में सारा ब्लड, जो बॉडी का ब्लड है, जितना भी ब्लड है उसको प्यूरीफाई या फिल्टर करता है. 45 मिनट्स में आपकी पूरी बॉडी का जो ब्लड है वो फिल्टर आउट हो जाता है. तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में देखा वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कई बार लाइफ प्रोसेसेस पढ़ते समय हम लोग भूल जाते हैं. इसी तरीके के दूसरे वीडियोस देखने के लिए ब्राइट ट्यूटी को सब्सक्राइब कीजिए. यहाँ पे आपको न सिर्फ सब्जेक्ट के वीडियोस बट और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग एग्जाम रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे. तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए और ब्राइट ट्यूटी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. और हाँ, ऐसे ही और भी वीडियोज़ के अपडेट जानने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए.